अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम फैसलाबाद। तो आपका भाई मोहम्मद शकील फैसलाबाद में मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि भाई ने एक सीरियल शुरू की हुई है कि आपको फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके अफतारी के हवाले से आपको दिखाएगा। तो इस वक्त भाई पहुंच चुका है, ये मिल्लत रोड का एरिया है। मिल्लत रोड पर जब आप आते हैं तो ये कॉर्नर पर इनकी शॉप है जमाल स्वीट। इसके साथ और भी कई दुकानें हैं, लेकिन इधर का माहौल क्या कहने हैं इसके। फैसलाबाद का काफ़ी फेमस एरिया है, तो आपको अफतारी के हवाले से दिखाते हैं इधर क्या माहौल है। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, चलते हैं। क्या बात, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी की हाल है? सेहत भी है, ठीक है। कैसा जा रहा है काम? माशाल्लाह सब ओके है, घर बार सब खैरियत यार? माशाल्लाह सोनी रौनक लाई, किसी को टाइम नहीं है, है? ना ताडे को ना उधर किसी को। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक रौनक लाई रखे। अपने को की हुंदा वा? की हुंदा भाई ने जजाक अल्लाह पाक ज्यादा दे। हाँ जी दसो, दसो जी। देखो जी बेहतरीन समोसे हैं, बेहतरीन पकौड़े हैं। अच्छा जी, किन्ना रश पिया गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक उसे पैसे। अच्छा वो हो क्या? हाँ जी पाए ना। अच्छा जी, अच्छा जी, तुम मल्लेदार है ना, तो कहने होने है ना? नहीं वाकई इन्हों का म्यार है, नहीं नहीं इन्हों का म्यार है। बस मैं सलाम लेनी है भाई ने, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? सेहत भी है, ठीक है। चाहिए हूं सलाम का जवाब दे दो। बहुत शुक्रिया भाई ने सलाम का जवाब दे दो। अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम भाई ने, भाई की हाल है? सेहत भी है, ठीक है। की अपने को बर्गर, आंडे वाला बर्गर? अच्छा, ते आंडे वाले का की रेट आ? लपेटा वा ये बर्गर के दूजा? ये लपेटा बर्गर है के दूजा? दूजा। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सेहत भी है, ठीक है। कैसा जा रहा है काम? की अपने को होंगे माशाल्लाह? अच्छा, किन्ने की प्लेट आप लिया? 180। ठीक हो गया, ठीक है काम माशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल है? सेहत भी है, ठीक है। कैसा जा रहा है काम माशाल्लाह? आ रोल किन्ने का यार? तेरा रोल बड़ा अच्छा लग रहा है यार। अच्छा किन्ने का है? 60 रुपए का चिकन आला, ठीक हो गया। तो होर की अपने को? अच्छा पकौड़े समोसे, ठीक है काम माशाल्लाह। रौनक लगी है, अल्लाह खैर करे। ठीक है भाई ने इन्हों का टेस्ट? अच्छा अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की हाल है? सेहत भी है, ठीक है। कैसा जा रहा काम माशाल्लाह? अल्लाह खैर करे। की अपने को होंगे? अपने को की होंगे? समोसे, जलेबी, पकौड़े, नान, टिक्की। अच्छा जलेबी, जलेबियाँ कितने? अच्छा बाहर दुकान पर आ? दो दुकाना अपनी? अच्छा अल्लाह खैर। आ कि दी आ? वो जमाल ने सारी जगह यार नेर पाया वा कि जमाल ब्रांड, जमाल ब्रांड। अच्छा चलो अल्लाह खैर करे, ठीक है काम माशाल्लाह उन्हों का। वैसे अल्लाह पाक इन्हों होर ज्यादा दे। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है भाई? सेहत भी है, ठीक है। कैसा जा रहा काम? ओए होए उस्ताद जी, आला ही दर्जे के सिंगर है को, है की नाम है अपना? आसफ अली। आसफ भाई की हों अपने को? है शवारमा बर्गर? अच्छा जिंगर शवारमा, जिंगर बर्गर।
अच्छा ठीक है काम माशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करे, बहुत शुक्रिया। गौसिया चिकन शवारमा है, अल्लाह खैर करे जी। भाई ना ये पैसे लगने जे मैं एनू जाके करना, अल्लाह खैर करे। लो जी नाजरीन ये देखें जरा इधर, दूध की दुकान पे रश देखें। ओए होए होए क्या बात, टाइम ही नहीं है इनके पास। ये इनके पास मिठाई वगैरह भी है, ये जरा चेक करें। ओए होए होए क्या हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल है? सेहत भी है ठीक है? कैसा जा रहा है काम माशाल्लाह? ओए होए होए साजी सोहनी रौनक लाई तुसी माशाल्लाह है। ओए होए क्या बात है, अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर। किधर भाजी किधर आ, वो लुकिया पे आ वा, बाहर नु निकलूंगा ते आऊंगा। अस्सलामुअलैकुम भाई, भाई की हाल है? सेहत भी अपने को की होंगे माशाल्लाह, सोहनी रौनक लगी है। अच्छा दाल चावल पुलाओ ते बिरयानी, बिरयानी की प्लेट किन्ने दी है? 300 रुपए की ठीक हो गया। तो पुलाओ की वो भी 300 ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यार, तेरा तो निज़ाम ही बड़ा आला वा यार, कढ़ाइया का है की नाम अपना माशाल्लाह? हसन अब्बास, असद अब्बास। अच्छा अब्बास भाई चिकन कढ़ाई बना रहे माशाल्लाह है। अच्छा ये अपना सिर्फ चिकन कढ़ाई का ही काम है इत्थे? अच्छा बीफ कढ़ाई किन्ने दी है? किलो 1500 रुपए है। 1500 रुपए किलो ते चिकन? 1300 किलो। वो भी 1300? 1300। अच्छा चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। हाँ जी आपका जमील शाह। अच्छा सर ये कितने अरसे से सेटअप नया लगाया मेरे ख्याल से? 15 महीने हो गए। तो क्या क्या होता है आपके पास? अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है आपका? अच्छा आपका पराठे का निज़ाम है और आपका दूध चाय का? ठीक हो गया, बड़ी आला किस्म के पराठे आपके पास हैं, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम भाई, भाई की हाल है? भैया स्टार्ट नहीं किया, असल च तुहाडा फास्ट फूड का ना जरा और अफतारी तो बाद ही है ज्यादा है ना रौनक लाई। ठीक है काम माशाल्लाह। चलो किस नाम तो अपना सेटअप? 786 786 अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन भाई क्या होता है आपके पास? बीफ पुलाओ? अच्छा चिकन है, तो कितने की प्लेट है पुलाओ की? 300। और बिरयानी की? वो भी 300। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है? ठीक ठाक है। किस नाम से आपका सेटअप? 786। अच्छा वो भी 786 का, ये भी 700। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सेहत भी है ठीक है? क्या नाम है आपका? अच्छा शाहिद भाई क्या होता है आपके पास? अच्छा अच्छा चिकन पकौड़ा भी होता है? अच्छा क्या रेट है उसका? 900 रुपए किलो। ठीक है काम, ये सब्जी का भी निज़ाम आपका ही है? अच्छा सब्जी कितने की है? 1200 रुपए की। एक इसमें साथ चावल वगैरह भी हैं कि नहीं? अच्छा वो काबली वाले के दूसरे? बिरयानी। अच्छा बिरयानी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सेहत भी है ठीक है? क्या नाम है आपका? नुसरत खान। नुसरत खान
सर ये कितने अरसे से सेटअप बनाया आपने? चार महीने हो गए। ठीक है काम माशाल्लाह। अच्छा आपके पास पराठे काफी किस्म के नजर आ रहे हैं। अच्छा चाय मुख्तलिफ ग्रीन, ये चाय में क्या है? सुलेमानी चाय, ग्रीन टी, कश्मीरी सुलेमानी, लेमन ग्रास ग्रीन टी। अच्छा अच्छा चक्कर वाली स्पेशल। ठीक हो गया, ठीक है काम माशाल्लाह। चले अल्लाह खैर करे, करते हैं आपके पास चाय चेक इंशाल्लाह। ओके सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अता भाई सेब 200 रुपए किलो, वाकई कौन से वाले हैं? वो वाले। और ये 300। अच्छा ठीक है। और खरबूजे? हाँ जी, 150 रुपए किलो भाई जान। दसो ना, 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो पाए ना, लिख के फड़ा दे उन्होंने। हैं जानदा जानदा पूछन दे यार। अच्छा इन्ना को 150 आ। अस्सलाम वालेकुम भाई ना, पाए की हाल है? पाए कितना खरबूजे? 150 रुपए माशाल्लाह। ते आ जेड़े अंदर वाले आ, ये भी 150। पक्की गल जो मैं लैने तुसी मुकर जाना, तुसी कहना आ इन्ने दा सी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती देवे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सेहत भी है? ठीक है। क्या नाम है आपका? है वाकिफ। यार कैसा नाम है, वाकिफ वाकिफ हो गया मेरा कि नहीं? सर क्या होता है आपके पास? चावल कबाब पुलाव। कौन सा, काबली वाला के सादा? बीफ पुलाव है। बीफ पुलाव है, कितने की प्लेट है? किलो का हिसाब है सर। अच्छा 360 रुपए किलो? 760 रुपए। ठीक हो गया, मुझे लगा 360। ठीक है काम माशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम भाई कितने की प्लेट दे रहे हैं आप? अच्छा इधर तो वैसे 300 रुपए की प्लेट चल रही है ना, वो पुलाव की ले लें या बिरयानी की ले लें, वो 300 की है, तो आपका 760 रुपए केजी है। ठीक हो गया। ये काबली वाला पुलाव है? ये बन्नू बीफ पुलाव है। ठीक है काम माशाल्लाह। ठीक हो गया, सब ठीक है, चले रोजे ठीक जा रहे हैं, अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मीर अहमद। मुनीर अहमद, इधर के ही हैं आप? आरफ वाले। अच्छा क्या होता है आपके पास, कौन कौन सी खजूर है? ये मजाफ्ती का क्या रेट है? रेट है 850 रुपए। 850 रुपए किलो। और दूसरी का ये वाली? 500 रुपए किलो। ये 550। ये 600। ये 600 इसमें, उसमें ये जरा ताजी है। अच्छा ठीक है काम माशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे आपको। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ दसो भाई, दसो की कहना? बस है काम करने सौखे नगे, ए वाइया लाउणियां सौखियां वा दूरों, है ना? अदेला बेच आ रहे हैं, चलन दे आ दे। जी नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तारी के हवाले से आपको मिल्लत चौक एरिया का पूरा माहौल दिखाया है। माहौल यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था, अच्छा था, लेवल का था। तो कुछ लोग कैमरे के सामने आना पसंद करते हैं, वही बात है, कुछ नहीं आते, कुछ रेट बताते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ ऊपर से दूसरा मजाक करते हैं, कोई अच्छे वाला करता है, कोई बुरे वाला करता है, बाकी हमारे हिसाब से सब अच्छे हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, किसी और जगह पे, किसी और इलाके में, आपको ये सारा माहौल दोबारा दिखाएंगे इसी तरह रमज़ान शरीफ के हवाले से। और अब इफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, मेरे ख्याल से 10 मिनट होंगे या 5 मिनट होंगे, तो लेते हैं इफ्तारी के लिए कुछ और इधर ही बैठ के इफ्तारी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई की ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्यारे भाई को दुआओं में याद रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।